बताऊंगा कि आप क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। बहुत से कंप्यूटर में लैपटॉप्स में क्रोम नहीं मिलता है हमें, और कुछ अलग सॉफ्टवेयर से हमें थोड़ी सी स्पीड की प्रॉब्लम आती है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आपके कोई से भी एक ब्राउज़र में जाना है। मैंने यहाँ पे खोल लिया है हमारा एक ब्राउज़र, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डाउन लोड क्रोम इसे सर्च करा हमने, और यहाँ पे करेक्शन आया। हाँ, यहाँ पे क्रोम वेब ब्राउज़र गूगल पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्रोम का सेटअप खुल गया है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारे पास कुछ इसकी गूगल क्रोम की टर्म्स एंड सर्विस आ गई है, तो आप इसे पढ़ लीजिए और एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे पास कुछ ऐसा डाउनलोडिंग के लिए आ गया है, ये केवल 1 MB का है, तो आप इसे सेव फाइल कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। और ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, हम इस पे ओपन का बटन दबाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, तो हम इस पे यस करेंगे। और यहाँ पे कनेक्टिंग टू द इंटरनेट आ रहा है, उस वक्त आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, तो ये पूरा डाउनलोडिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको आपका क्रोम डाउनलोडेड मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे इसमें 5 मिनट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसे डाउनलोडिंग होने देते हैं। तो हमारा क्रोम डाउनलोड हो गया है, तो हम इसे ओपन करके अपना गूगल चला सकते हैं, और इससे हमें स्पीड भी अच्छी मिलती है, बाकी ब्राउज़र की तरह नहीं। तो आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू, और अब मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।